क्वेश्चन नंबर जो एक होता है ना बेटा, वो होता है आपका अनसे पैसेज का। तो बढ़िया से देखिए, अनसे पैसेज को आपको सॉल्व करने की जो तरीका है मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का अनसे पैसेज रहेगा। हमारा जो उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य क्या रहेगा, एप्लीकेशन से शुरू करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहाँ से आप देख सकते हैं, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर 4 days, 4 दिन की छुट्टी के अवकाश देनी है आपको सिक लीव की। यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसा कि तुम बुखार से पीड़ित हो, ठीक है भैया। तो ये चलिए यहाँ से अपन अच्छे से शुरू करते हैं। देखो, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर 4 days सिक लीव। सिक लीव की छुट्टी के लिए आपको एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसा कि तुम बुखार से पीड़ित हो तो तुम्हें छुट्टी की अवकाश लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। चलिए यहां से अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहां से सबसे पहले एप्लीकेशन आपको लिखनी बेटा है ना। एप्लीकेशन लिखते समय एक ही बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो बात यह है कि वहां पर प्रश्न में आपको प्रिंसिपल दिया रहे ना, तो प्रिंसिपल लिखना है, और क्लास टीचर दे तो क्लास टीचर लिख देना है। यहां पर क्लास टीचर लिखा, पर लेकिन अपने प्रश्न में यदि प्रिंसिपल है तो आपको क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। यहां से स्कूल का नाम वो देते ही नहीं उसमें आपके लिए, 9th के लिए, और दे तो लिख देना है ना। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, सर आई बेग टू से डेट। देखो, मैं विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, यहां 10th की जगह पे क्या लिख लोगे मेरे बाबू, 9th, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूं। इन यूअर स्कूल, आपकी स्कूल का, ठीक है। आई हैव सफरिंग, मैं बुखार से पीड़ित हूं, फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मैं क्या हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, टेक बेड रेस्ट, यानी कि मुझे क्या किया है, बिस्तर पर रहने की, आराम की करने के लिए सलाह दी है। तो ये टू टेक ए रेस्ट फॉर 2 days, यहाँ पर थोड़ा सा लगे तो फॉर 2 days, तो 2 दिन के लिए। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है बेटा। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, एक मैंने आपको क्या बता दिया है, एप्लीकेशन बता दी है सिक लीव की, ठीक है। अगला क्या है अपना, कि कभी कभी है ना एग्जाम में बेटा ये पूछ लेता है स्कॉलरशिप वाली, फुल फी कंसेंशन वाली, तो टू द प्रिंसिपल यहाँ पर अपन आगे लिख देंगे, सर आई बैक टू से डेट, आई बैक टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ ऑफ क्लास 10th, इन यूअर स्कूल, आपकी स्कूल का, माई फादर इज पुअर लेबर, मतलब जो बोलते हैं ना अपन, मजदूर है, पुअर फार्मर भी लिख सकते हैं ना, ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, मेरी स्कूल की फीस भरने में वो क्या है, असमर्थ है। सो आई वांट फुल फी कंजेशन स्कूल पुअर बॉयज फंड, यानी कि देखो अब ये सो आई वांट टू, यहाँ से अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। काइंडली इशू मी, कृपया मुझे दे यहाँ पर स्कॉलरशिप, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। ये आप बेटा लिख सकते हैं ना, बढ़िया से खर्चा हो तो, ठीक है। ये कभी कभी ये पूछ लेता है, बाकी दो एप्लीकेशन आपके हो चुकी हैं। इसके आगे की हम बात करें तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध आएगा आपका, है ना बेटा। और ये आगे बढ़ते हैं ना फटाफट से, क्या बोल रहा है आगे अपना, वंडर ऑफ साइंस का निबंध हो जाएगा, और वंडर ऑफ साइंस के निबंध के बाद में अपन आ जाएगा सेक्शन सी के ऊपर, ठीक है। ये आपका यहां से देख सकते हैं, इतना हो गया है, क्या बोल रहा है सेक्शन सी में, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यू मस्ट डू
योर ड्यूटी, यानी कि तुम क्या करो, तुम्हें अपनी ड्यूटी करना ही चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है। ही नाइथर ड्रिंक्स, वहाँ ना तो शराब पीता, ड्रिंक मतलब यहाँ पर शराब पीना आएगा, और नोर स्मोक्स, ना ही धुआं, मतलब बीड़ी सिगरेट है ना, स्मोकिंग करता है वो, ना तो शराब पीता ना तो नोर आ जाएगा, है ना, नाइथर और नोर का प्रयोग करें। और यहाँ पर शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेस, और सी कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, वहाँ इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोल सकता है। कम एंड सिट बिसाइड मी, देखो बिसाइड का मतलब था की ओर, आओ और बैठो मेरी ओर। इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है बेटा। यदि हम डूअज डायरेक्टेड की बात करें ना, क्योंकि इसमें हैज बीन हैव बीन लगे ना, तो हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, और सिंस यस्टरडे ने कल से, वर्षा कल से हो रही है। अब देखो, यू गो टू स्कूल डेली, चेंज इनटू नेगेटिव, यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली, तुम डेली स्कूल नहीं जाते हो। और नो सुनर की जगह पर एस सुनेस लगाना है, और यहाँ पर सा आ जाएगा, है ना, सी का सा, क्योंकि जैसे ही उसने मुझे देखा, ठीक है, ही डिस्प्लेड। आगे देखते बेटा, दे सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो देखो कुछ नहीं करना है, डू मैं एक सेपरेट वीडियो में क्या करूँगा, डूज डायरेक्टर आपको अलग बताऊँगा, और ये ठीक है, ये भी आपको अलग बताऊंगा बेटा, बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहिए। हमारा क्या उद्देश्य बेटा, आप अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। किसी के पास रियल ईयर पेपर के लफड़े में मत पढ़ो, मैं जो सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, उन सेलेक्टेड क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है बेटा, मेहनत करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा, डू दे सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, और नांग महाराज बना देना है, मैं आपको समझाऊंगा एक सेपरेट वीडियो में ना। क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, यहाँ से लगा के क्वेश्चन नंबर जो 16 तक है ना, ठीक है, 16 तक है, वहाँ तक के पूरे क्वेश्चन एक साथ अपन सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे, ताकि हमारे बच्चे टॉप करेंगे, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना है ना। ये देख लीजिएगा, आपको यहाँ तक हो गया है, इसके बाद में ये आपका यहाँ पर, ठीक है भैया, इसके बाद में ये स्क्रीनशॉट लो कि व्हाट वर द पीपल इन केंजिया फैमिलीज, केंजियास फैमिली, केंजिया के परिवार में कौन कौन लोग थे, ठीक है। तो उसकी फादर थी, मदर थी, ग्रैंड मदर थी, एंड सी हिम सेल्फ, वो खुद भी थी, ठीक है भैया। कि व्हाट डिड फादर ऑफन गेट इरिटेटेड विथ केजिया, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, इतना हो गया है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा छोटा कर देता ना, ताकि दिक्कत नहीं आई हमारे बच्चों को, है ना भैया। इसके बाद में आप यहाँ से ये स्क्रीनशॉट लोगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसके बाद में यहाँ से, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहेगा, इसके बाद में यहाँ पर ये हो गया, इतना थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हो जाएगा अब्दुल, व्हाट डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज फादर, अब्दुल कलाम किस तरह अपने पिता के बारे में वर्णन करते हैं, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है जल्दी से, तुरंत आप तो लेते जाओ, ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए, इसलिए अपन यहाँ पर थोड़ा सा एक साथ ही सारी चीज़ों का एक साथ दे रहा हूँ मैं ना, जितने भी आपके पेपर सेट आ रहे हैं MP के हर ज़िले में अलग अलग आ रहे हैं, सबका बेटा एक साथ ही दे रहा हूँ, इसके अलावा अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, वाले पेपर क्वेश्चन सारी चीज़ इसमें ही है ना, क्वेश्चन आंसर जवाबदारी है, आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो केवल, है ना, कुछ अनावश्यक चीज़ें बतानी पड़ती है ना, आप कुछ समझदार है यार, है ना, डायरेक्टली नहीं बता सकते जी, जिन जिन पर एम लिखा हुआ है ना, बस उनको ही आपको करने हैं। यहाँ पर आगे, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोयम, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर टू देख सकते हैं, इसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड फाइव वे इन विच वी ऑल आर अलाइक, पांच बातें बताइए जिससे लगता है कि हम सब एक जैसे हैं। द पोएट सेज वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स बट आवर बॉडी इज सेम, हम कपड़े तो अलग अलग तरह के पहनते पर हमारी बॉडी क्या एक समान ही। वी वॉक ऑन द सेम प्लेटनेट्स प्लांट्स ग्रह पर चलते हैं, एंड ऑफ ईच इंडिविजुअल इज द सेम, वी ऑल ईट हम खाते हैं, वी ऑल ड्रिंक वाटर हम सब पानी पीते हैं। ठीक है भैया, हो गया इतना, ये आपको क्वेश्चन में इतना करना है। इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक, इसके अलावा आपको अलग से कोई सी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक वीडियो ज़रूर मैंने बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा आप कि परीक्षा में बिना पढ़े कैसे पास हो, उसमें ट्रिक दी है मैंने आपको। ठीक है, क्वेश्चन याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा किस तरह से आपको क्वेश्चन याद करना है, नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, और याद भी नहीं भी कर पा रहे हो तो वो वीडियो ज़रूर देखना आप, परीक्षा में बिना पढ़े कैसे पास हो। ठीक है, चैनल पर जैसे जाओगे तो मिल जाएगा आपको। ये हो गया इतना, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इतना हो जाएगा, ये हो गया इतना। इसके बाद में ये ठीक है इतना।